Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. Already we have completed disease and its types. Today we will discuss prevention of communicable disease as well as vaccination. So let's start the class. If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Prevention of communicable disease. प्रिवेंशन का मतलब द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग. सो इस चैप्टर में और इस टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ वी कैन प्रिवेंट और हाउ वी कैन स्टॉप सम डिजीज टू गेट स्प्रेडेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. सो नॉर्मली वी नो स्टूडेंट्स दैट कम्युनिकेबल डिजीज दे आर मेनली कॉज्ड बाय जर्म्स. कम्युनिकेबल डिजीज हम लोगों को कौन करता है? जर्म्स. उनकी वजह से वी सफर फ्रॉम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिजीज. And it is necessary for us to check the growth of these germs. If हम ये germs का growth को stop नहीं करेंगे तो just सोचो कि क्या होगा. हर जगह हर एक इंसान को बीमारी हो जाएगा. So today we will see some important, some precautionary measures जिससे हम disease को spread होने से रोक पाएंगे. So here are the points. Number one. Germs of certain diseases stay on articles like cloths, combs, towels and toys used by patients. देखो अगर कोई पेशेंट है जिसको एक बीमारी हो गया है, ओके ऑब्वियसली बीमारी हो गया मतलब वो पेशेंट हो गया. सो वो इंसान जब कोई भी चीज यूज करता है लाइक हिज व्हाट पर्सनल थिंग्स लाइक उसके कपड़े, उसके कंघी, हिज टॉवल, टॉयज, वो कुछ भी चीज को अगर वो यूज करता है तो याद रखना उसके सारे चीजों में जर्म्स प्रेजेंट होगा क्योंकि ही दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज. तो वो जब वो डिजीज से सफर करता है तो वो जो भी सामान यूज करता है उसके सारे सामान में क्या होगा? सारे सामान में जर्म्स होगा. और अगर हम लोग उसके सामान को, उसके थिंग्स को यूज करेंगे तो वो जर्म्स हमारे बॉडी में भी आ जाएगा एंड वी विल ऑल्सो सफर फ्रॉम दैट सेम डिजीज. तो ये तो बहुत डेंजर हो जाएगा. इसीलिए वॉट एवर आर्टिकल्स और वॉट एवर थिंग्स दैट पर्सन इज यूजिंग उस चीज को हम लोगों को ना एकदम डिसइंफेक्टेंट से साफ कर देना चाहिए. डिसइंफेक्टेंट लाइक हम लोग उसके सामान को डेटॉल से भी साफ कर सकते हैं एंड आजकल तो सैनिटाइजर इतना ज्यादा यूज हो रहा है तो उसके सामान को हम लोग सैनिटाइज कर सकते हैं. एंड हिज क्लॉथ्स, वो जिस बेड में सो रहा है उस बेड का लाइक मैट्रेस, वो सबको हम लोगों को एकदम गरम गरम पानी में धोना चाहिए, उसमें डेटॉल से उसको निकालना चाहिए. द फ्लोर वॉल दैट शुड बी स्प्रेड विथ अ डिसइनफेक्टेंट. आजकल तो बहुत सारा स्प्रे आता है जो कि डिसइनफेक्टेंट की तरह होता है तो उसको स्प्रे करके हम हर जगह हर जर्म्स को मार सकते हैं. सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप to prevent some communicable disease. Now, let's see the second step. The house should be disinfected. Yes, जब हमारे घर में साफ सफाई होता है normally वो तो हर दिन होता है sweeping and mopping. So, उस वक्त we should always try to use some disinfectant in that water which is used to clean the floor. So, ऐसा करने से क्या होगा? जितने भी germs होंगे वो सारे मर जाएंगे. And if germs ही नहीं रहेंगे then बीमारी फैलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता. And our house should have good ventilation and open space. देखो हमारे घर में एकदम बड़े बड़े खिड़की होने चाहिए, दरवाजा एकदम अच्छे ऐसा होना चाहिए लाइक उसका मीन्स ऐसा बना होना चाहिए जिससे सन रेज एंड फ्रेश एयर हमारे घर में अच्छे से एंटर कर सके. बिकॉज फ्रेश एयर एंड सनलाइट ये दोनों को नेचुरल डिसइनफेक्टेंट बोला जाता है तो ये सब नेचुरली जर्म्स को मारने का मीन्स पावर रखते हैं. They are very powerful. Okay. Then third point, drinking water should be clean and pure. Yes, हम लोग जो पानी पीते हैं that water that should be clean. हम लोग पढ़ चुके हैं कि if हम लोग गंदा polluted water, contaminated water पियेंगे so we will suffer from number of diseases. जैसे कि हमको jaundice भी हो सकता है and jaundice is a very dangerous disease. So we should always try to drink clean and pure water. अच्छा बहुत जन के घर में पानी जब आता है तो वो लोग क्या करते हैं ना पानी को डायरेक्टली दे यूज दैट वाटर. दैट इज नॉट अ गुड थिंग बिकॉज इफ हम गंदा पानी पीते हैं, देखो घर में जो पानी आता है ना वो गंदा रहता है. सो हम लोगों को सबसे पहले ट्राई करना चाहिए टू क्लीन इट. अब कैसे क्लीन करेंगे? पानी को बॉइल कर लो. बॉइलिंग इज द चीपेस्ट मेथड.
सबसे ऐसा सस्ता तरीका है जिससे हम पानी को आराम से साफ कर सकते हैं। अगर हम वाटर को बॉईल करते हैं फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट, सिर्फ इतना, ऐसा नहीं है कि दिन भर ही उसको तुम लोगों को बॉईल करना है, नो, वाटर को बॉईल करो फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स, जिससे क्या होगा, उसके अंदर के सारे जर्म्स मर जाते हैं। एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई टू ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर। बहुत जन घर में वाटर फिल्टर्स यूज़ करते हैं, वाटर प्योरीफायर्स होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, उसमें भी पानी डाल के हम साफ कर सकते हैं। एंड अगर पानी साफ पियेंगे तो बीमारी भी हम लोगों को नहीं होगा। एंड अभी सोचो, आप लोग पानी को बॉयल कर लिए, वाटर को प्योरीफाई कर लिए, अभी स्टोर करने का बारी आता है। पानी को बहुत जन क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं, लेकिन जो कंटेनर वो लोग यूज़ करते हैं, दैट कंटेनर वो बहुत गंदा रहता है वो। सो अगर गंदे कंटेनर में हम लोग पानी को स्टोर करते हैं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड इन अ क्लीन कंटेनर, एंड पानी को ढक के भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग पानी साफ कर लिए और क्लीन कंटेनर में रख लिए, लेकिन अगर ढक के नहीं रखोगे सो वो भी कंटेमिनेट होने का उसमें भी चांस होता है। नाउ नंबर 5, चिल्ड्रेन सफरिंग फ्रॉम एनी कम्युनिकेबल डिजीज शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल टिल दे आर फुली रिकवर्ड। मतलब इफ कोई भी बच्चे को, अगर कोई स्टूडेंट है और उसको एक बीमारी हो गया एंड विच इज़ कम्युनिकेबल, जैसे कि चिकन पॉक्स, ठीक है, अगर एक बच्चा को ऐसा कुछ बीमारी हो गया है जो कि कम्युनिकेबल है, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कीप योर चाइल्ड एट होम। बच्चे लोगों को घर में रखो, उनको आप स्कूल मत भेजो, बिकॉज अगर आप स्कूल भेजोगे तो वहाँ क्या होगा, वो 10 बच्चों से मिलेगा, उनके साथ टिफिन खाएगा, जिससे क्या होगा, वो बीमारी बाकी सारे बच्चों को फैल जाएगा। तो ये सब तो हम लोगों को करना नहीं है, हम लोगों को डिजीज़ को प्रिवेंट करना है, हम वही पढ़ रहे हैं। सो इफ़ एनी चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एनी कम्युनिकेबल डिजीज ही शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। एंड कब तक उसको स्कूल नहीं जाना है, जब तक वो अच्छी तरह से रिकवर नहीं हो जाता है। अभी बच्चे लोग तो बहुत खुश हो जाते हैं कि स्कूल नहीं जाना है, वाओ, लेकिन आप लोगों को हमेशा के लिए छुट्टी नहीं मिल रहा है स्कूल से, आप लोगों को तभी तक स्कूल नहीं जाना है जब तक यू विल नॉट फुल्ली रिकवर्ड। ओके, नाउ नंबर 6, द मैट्रेसेस क्लॉथ शुड बी एक्सपोज टू सनलाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम। हम लोग नॉर्मली जो पिलो यूज़ करते हैं या फिर द मैट्रेस, हम लोग जो गद्दा उद्दा में सोते हैं, उस चीज़ को भी ना ध्यान रखना, ये दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हमारे पेरेंट्स करते भी हैं ये चीज़ें। टाइम टू टाइम हम उसको धूप दिखाते हैं, दैट मीन्स उसको हम लोगों को धूप में थोड़ा सा एक्सपोज करना चाहिए, एक दिन तो निकाल दो। अगर आप लोग, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट पिलो, अगर मैं तकिया का बात करूँगी, तो एटलीस्ट 15 दिन में एक बार तो आप लोग उसको धूप दिखा सकते हो। एक्चुअली हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, देर इज़ अ रीज़न, यू आस्क योर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा को आप लोग पूछना कि हम लोग मैट्रेसेस पिलो कवर को, या पिलो को, नॉट कवर सॉरी, पिलो को हम लोग क्यों धूप में दिखाते हैं इतना देर तक। सो आपके पेरेंट्स आपको बहुत अच्छा आंसर देंगे, एंड आई एम श्योर जो आंसर मैं दूंगी वही आंसर वो लोग बताएंगे, दैट सनलाइट के पास एक नेचुरल एबिलिटी, एक नेचुरल पावर होता है कि वो सारे जर्म्स को मार देता है। इसीलिए हम लोग जो मैट्रेसेस या फिर क्लॉथ्स को हम जो धूप में रखते हैं, उसका यही रीज़न होता है कि सनलाइट की वजह से उसके सारे जर्म्स मर जाते हैं। देन पॉइंट नंबर 7, द एरिया अराउंड आवर होम शुड बी नीट एंड क्लीन सो दैट नीदर फ्लाइज नॉर मस्कीटोज कैन ब्रीड देयर। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे घर का चारों तरफ का एरिया, ओके, द सराउंडिंग वेयर वी आर लिविंग, दैट शुड ऑल्सो बी नीट एंड क्लीन, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग, चाहे आप लोग कितना भी साफ सुथरा होके रह लो घर में, आपका घर चाहे कितना भी साफ हो, अगर आपका सराउंडिंग साफ नहीं है ना, तो फिर काम, मतलब तो बीमारी पक्का एंटर करेगा आपके घर में। इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द एरिया वेयर यू आर स्टेइंग, आप जिस इलाके में रहते हो, एटलीस्ट वो एरिया थोड़ा बहुत साफ होना चाहिए। क्यों, अगर सोचो आपके घर के बाहर पूरा हीप ऑफ गार्बेज है, कचड़ा ही भरती है, वहाँ उस कचड़े में इतनी फ्लाइज मस्कीटोज लोग रहते हैं, वो फ्लाइज मस्कीटोज आपके घर में एंटर करेंगे, आप उसको रोक तो सकोगे नहीं, वो आपके घर में एंटर करेंगे एंड देन क्या होगा, आपको बीमारी फैलाएंगे। सो वो तो नहीं होना चाहिए, उससे आप लोगों का ही लॉस है। इसीलिए ऑलवेज ट्राई टू कीप द एरिया वेयर यू आर लिविंग दैट शुड बी नीट एंड क्लीन। नाउ नंबर 8, वाटर शुड नॉट स्टैग्नेट इन पडल्स अराउंड द होम
एंड रेन शुड बी कैप्ट कवर्ड. देखो ऐसा बहुत सारा जगह रहता है, लाइक जमीन में ना रास्ते में देखना कुछ छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं, और बहुत सारे गड्ढे रहते हैं. सो दैट गड्ढे, उनको हम लोग पडल्स बोलते हैं, वहाँ पर वाटर ना जम जाता है. जम जाने का मतलब मैं यहाँ पर लाइक बर्फ जैसा जम जाता है, मैं यहाँ पर वो नहीं बोल रही हूँ. जम जाना मीन्स वो वहाँ पर रुक जाता है, ठीक है. एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, पानी अगर कहीं पर स्टैगनेट होके रहा तो वहाँ पर मच्छर लोग अंडा दे देते हैं. द मस्किटोज दे ले एग देयर. सो मच्छर अगर वहाँ पर अपना एग दे देंगे तो मच्छर का पॉपुलेशन बढ़ा, मस्किटोज़ का पॉपुलेशन बढ़ा, एंड उसके बाद क्या होगा, वही मच्छर आपके घर में आके आप लोगों को डेंगू मलेरिया और क्या क्या बीमारी कर देंगे. सो ऑलवेज जस्ट थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि वाटर शुड नॉट स्टैगनेट इन पडल्स. आपके घर के चारों तरफ में अगर कहीं पर आप देख रहे हो कि वाटर वहाँ पर रुक रहा है तो आप वो वाटर को ना फेंक दो, ठीक है. लाइक घर के पास में भी देखना, जो टायर होता है ना, टायर में भी ना पानी रह जाता है. एंड दैट द शेल ऑफ कोकोनट, कोकोनट का जो खोल होता है ओके, उसमें भी पानी रह जाता है. तो वो सबको ना आप लोग फेंक दो. अगर आप लोग फेंक दोगे तो कोई भी चांस नहीं रहेगा मच्छर के पास कि वो वहाँ पर जाके अंडा देगा ओके. देन ड्रेन शुड बी कैप्ट कवर्ड. यस, ड्रेन मीन्स नाली. अगर किसी को नहीं पता है ड्रेन का मतलब, तो याद रखना ड्रेन का मतलब होता है नाली. ड्रेन शुड बी कैप्ट कवर्ड. यस, ड्रेन्स को तो कवर करके ही रखना चाहिए, बिकॉज उससे एकदम व्हाट बैड स्मेल आता है. एंड देन अगर स्मेल आएगा उसके बाद उसमें कितने जर्म्स होते हैं, दैट जर्म्स वो लोग हम लोगों को दे कैन कॉज अस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिजीज. देन वी विल सी नंबर 9, रूम शुड हैव वायर स्क्रीन्स. यस, ये तो हर किसी के घर में होना चाहिए. हम लोगों को हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हमारे घर में जो खिड़की है वहाँ पर हम वायर स्क्रीन्स लगा दें, या फिर आप लोग वायर जो एक नेट आता है वो सब लगाना बहुत अच्छा होता है. वो सब लगाने से क्या होता है, मच्छर लोग घर में एंटर नहीं कर पाएंगे. एंड इफ मच्छर लोग घर में एंटर नहीं कर पाएंगे, इफ मक्खियाँ एंटर नहीं कर पाएगी, सो हम लोगों को बीमारी भी नहीं होगा. नंबर 10, टॉयलेट्स एंड बाथरूम शुड बी क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड रेगुलरली. यस, ये तो बहुत अच्छा है कि हम लोगों को हमेशा, मीन्स ऐसा नहीं है कि आप लोग स्किप करोगे, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स, इनको तो हर दिन क्लीन कराना चाहिए, बिकॉज यही ऐसा जगह होता है घर में जहाँ पर खूब लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ जर्म्स आर प्रेजेंट. एंड अगर हम टॉयलेट्स को बाथरूम्स को, बिकॉज ये तो बहुत बार यूज होता है घर में, सो टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स इनको रेगुलरली डिसइंफेक्टेंट के साथ या डिसइंफेक्टेंट से क्लीन कराना चाहिए. लाइक हम लोग आजकल तो वो बाथरूम क्लीनर बहुत सारा आता है, तो उसको यूज़ करके हम लोग उसको साफ कर सकते हैं. देन नंबर 11, टू डिस्ट्रॉय मस्किटो लार्वा द सरफेस ऑफ वाटर इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स मस्ट बी स्प्रेड विथ ऑयल. अच्छा, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट जहाँ भी पानी स्टैगनेट होके रहता है, लाइक जमता है, वहाँ पर मस्किटोज क्या करते हैं, अपना एग आके वो लोग ले कर देते हैं, मीन्स दे देते हैं ओके. अगर मस्किटोज़ के एग से अगर मस्किटोज़ निकल गए तो क्या होगा, बीमारी फैलेगा ऑब्वियसली. वो लोग आके हम लोगों को काटेंगे एंड हम लोगों को बीमारी करेंगे. इसके लिए द बेस्ट थिंग जो हम लोगों को करना चाहिए कि स्प्रे किरोसिन ऑयल. आप लोग एक काम करना, जहाँ भी आप लोग वैसा पानी देखोगे किरोसिन ऑयल वहाँ पर जाके स्प्रे कर देना, जिससे क्या है जितने भी लार्वा होंगे मस्किटो के वो सारे मर जाएंगे. वैसे ही हमारे घर में या फिर हम लोग स्कूल में भी देखते हैं जो टंकी वहाँ पर रहता है टैंक, वो भी एकदम पानी से भरा हुआ रहता है, वो अनकवर्ड रहता है, वो तो कवर करके रखते ही नहीं है. तो उस पानी में हम लोगों को कितने सारे मस्किटो के लार्वा देखने को मिलते हैं. सो उसको भी एटलीस्ट कवर करके रखना चाहिए. देन और भी अलग अलग तरीका है, लाइक इन नंबर ट्वेल्व इट इज़ रिटर्न, मस्किटो नेट एंड मस्किटो रिपेलेंट क्रीम शुड बी यूज. ऑब्वियसली मस्किटो नेट, मच्छरदानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वो मेडिकेटेड भी आता है. एंड मस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स, बहुत सारे क्रीम्स आते हैं जिनको लगाने से क्या होता है, मच्छर हम लोगों को नहीं काटता है. तो दिस शुड बी यूज. इसको क्यों यूज़ करना चाहिए, ताकि मच्छर हम लोगों को बीमारी नहीं कर सके. देन लास्ट पॉइंट, फ्लोर्स मस्ट बी स्वेप्ट एंड मॉप्ड एवरी डे. यस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबके घर में होता है, ये तो बताने का दरकार भी नहीं पड़ेगा आप लोगों को कि हम लोगों को घर में हमेशा झाड़ू एंड पोछा लाइक वो सब चीज़ें करवाना चाहिए. ये सब कराने से क्या होगा, हमारा घर एकदम क्लीन रहेगा. एंड इफ घर क्लीन रहेगा तो डिजीज बिल्कुल भी किसी को होगा नहीं.
नाउ न्यू टॉपिक दैट इज वैक्सीनेशन. अच्छा, वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीका लगवाना. अब यहाँ टीका लगवाना मतलब ये नहीं है कि हम लोग भगवान के मंदिर जाके टीका लगवाएंगे. नो, आप लोग याद करो, जब आप लोग छोटे थे तो आप लोगों को मम्मी पापा लोग डॉक्टर के पास लेके जाते थे. याद तो नहीं होगा, आई नो, बट आप लोगों के हाथ में ना एक जगह एक दाग होगा, मे बी इन योर लेफ्ट हैंड साइड. देखो, लेफ्ट हैंड में देखना, आपके आर्म्स में कुछ ऐसे दाग रहता है. हम लोग उसको बोलते हैं टीका का दाग. ओके, तो अपने पेरेंट्स से आप लोग पूछना कि आप लोग हम लोगों को टीका लगवाए थे कि नहीं, तो डेफिनेटली वो लोगों का आंसर हाँ में होगा. सो दैट प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वैक्सीनेशन. तो वैक्सीनेशन एक तरीका होता है जिसमें हम लोगों को टीका लगता है, मीन्स हम लोग को एक दवाई मिलता है. एंड वो दवाई इंजेक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है, एंड कुछ कुछ केस में ओरल ड्रॉप्स भी होता है. शायद आप लोगों को याद आ गया होगा, हम लोगों को एकदम खट्टा या कड़वा कड़वा दवाई भी खाने को मिला था. मुझे अभी तक याद है कि पोलियो का दवाई उस समय मैंने खाया था. सो वैक्सीनेशन मीन्स द एक्ट ऑफ इंजेक्टिंग वैक्सीन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ डिजीज. वो तरीका जिस तरीके में हम लोगों को, या वो प्रोसेस जिसमें हम लोगों को वो टीका लगा था, दैट इज़ कॉल्ड वैक्सीनेशन. नाउ व्हाट इज़ अ वैक्सीन? सो हम लोग, मैं जो बार बार टीका बोल रही हूँ ना, उसमें हम लोगों को एक दवाई लगता है. वो या तो थ्रू इंजेक्शन भी लग सकता है, या फिर हम लोगों को जो ओरल ड्रॉप्स, जो मुँह में जो हम लोग को ड्रॉप्स डालते थे, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं. सो वो इंजेक्शन में जो वो केमिकल होता है, जो सब्सटेंस होता है, उसी को हम बोलते हैं वैक्सीन. और वो वैक्सीन सोच लो एक तरीका का दवाई है. वो दवाई खाने से हम लोगों को बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं होती है. सो चिल्ड्रेन शुड बी वैक्सीनेटेड प्रॉपरली अगेंस्ट डिजीज. देखो, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि हम लोगों को नहीं होती. एंड डू यू नो स्टूडेंट्स, वो सब बीमारी हम लोगों को क्यों नहीं होता है? थैंक्स टू आवर पेरेंट्स. यू शुड बी थैंकफुल, वी शुड बी थैंकफुल, एवरी वन शुड बी थैंकफुल. वाई? बिकॉज हमारे पेरेंट्स जब हम छोटे थे तो वो हम लोगों को टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास ले जाके हम लोगों को टीका लगवा के आए हैं, वैक्सीन दिला के आए हैं. अगर वो लोग हम लोगों को डॉक्टर के पास लेके जाना भूल जाते या नहीं लेके जाते, तो आज हम लोगों को कितना बीमारी हो ऐसा हो जाता कि वो ठीक ही नहीं होता. लाइक पोलियो, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पोलियो का टीका नहीं लगा रहता है. लाइक अगर उनके पेरेंट्स भूल जाते हैं या कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाता है, सो वो बच्चे लोगों का हाथ पैर अच्छे से फॉर्म भी नहीं हो पाता. वो अलग अलग ही हो जाता है. लाइक दे आर नॉट एबल टू, मीन्स वो नॉर्मल ह्यूमन, जैसे कि हमारा हाथ पैर है, उनका वैसा नहीं रहता है. वो अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है. सो वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू आवर पेरेंट्स कि वो टाइमली हम लोगों को डॉक्टर के पास लेके गए, एंड हम लोगों को दे मीन्स टीका लगवा के आए अगेंस्ट मैनी डिजीज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो, टिटैनस, मम्स, टीबी एटसेट्रा. इसमें से तो कितना नाम आप लोग अभी पहली बार सुन रहे होंगे. तो सोचो अगर ये बीमारी हम लोगों को हो जाता तो कितना प्रॉब्लम होता. वेरी डेंजरस, ये सब बहुत डेंजरस होता है. सो ये बच्चे लोगों को टाइम टू टाइम लगता है. अभी कुछ समय पहले स्कूल में भी काफ़ी बच्चे लोगों को लगा था रूबेला डिजीज के लिए, और भी बहुत सारे डिजीज थे. ठीक है, सो ये चीज़ों को हम लोगों को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए. नाउ लास्ट, अब चैप्टर तो ख़त्म होने वाला है. सो स्टूडेंट्स, इफ़ वी विल टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर सेल्व्स, अगर हम लोग अपना प्रॉपर ध्यान रखेंगे, खाली अपना नहीं, हम लोगों को अपना सराउंडिंग का भी ध्यान रखना है. सराउंडिंग, जिस सराउंडिंग में हम रह रहे हैं, इट शुड बी नीट एंड क्लीन. इफ़ हम अपना और साथ साथ अपने सराउंडिंग का भी ध्यान रखते हैं, सो डेफिनेटली हम लोग हेल्दी रहेंगे, हम लोगों को बीमारी छू भी नहीं पाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, योर चैप्टर 2 हैज़ गॉट कम्प्लीटेड. टिल देन, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, डू सब्सक्राइब इट, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे बच्चे लोगों को भी काफ़ी मदद मिल जाए ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड. एंड इन केस ऑफ एनी डाउट, डू आस्क मी एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.